नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। गलवान में जो कुछ चल रहा है उसका नतीजा धीरे ही सही लेकिन मिल जरूर रहा है, क्योंकि चीन अब परेशान हो चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। इसलिए चीन अब एक सम्मानजनक वापसी के लिए रास्ता तलाशना शुरू कर रहा है और उसी का नतीजा है कि चीन ने ही पहले पहल की है। चीनी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने आशा के विपरीत जाकर एक बड़ी खबर भारत के बारे में छापी है और सरकारी हवाले से कहा है कि हिंद महासागर में भारत चीन से ज्यादा ताकतवर है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन अब भारत को मक्खन लगाना शुरू कर चुका है। दरअसल चीनी अखबार ने एक हेडलाइन के साथ लेख छापा जिसका नाम था वैश्विक महत्वाकांक्षा के लिए बहुपक्षीय तंत्र के प्रति भारत का रवैया। अपने इस लेख में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडी डायरेक्टर हुशी सेन ने कहा कि हिंद महासागर में भारत के पास ज्यादा ताकत है और वो चीन को झुकाने के लिए बहुपक्षीय संगठन के साथ काम कर रहा है। आज का भारत और कल के भारत में आसमान और जमीन का अंतर है, क्योंकि हिंद महासागर अवधारणा आज नहीं कल की अवधारणा है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही साथ हिंद महासागर के सटे देशों के साथ भारत दोस्ती बढ़ा रहा है और उनकी आर्थिक मदद भी कर रहा है, और जो देश चीन से परेशान है वो भारत का समर्थन कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब चीन ये मानने लगा है कि वो भारत से हिंद महासागर में कमजोर है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने चीन के जाल को हिंद महासागर में तोड़ दिया है और चीन इसी से काफी परेशान है।